हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली सब अच्छे हैं, लेकिन कलर बच्चे लगा के आज भी मेरा कलर लगा हुआ है। देखिए मुंड फटा कलर लगा दिए हैं, इसी की वजह से कलर है। अभी पहले में पहले सबसे पहले दिन को बॉयल करूंगी, उसके बाद जो कुछ करना है। कल तो हम इवनिंग में हमारा किटी था, तो किटी में खा लिए हैं। कल कुछ सब्जी बच गया है दोपहर का जो बनाई थी, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे जी, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। चलिए मैं मेरा उस वीडियो पे काल वाला वीडियो पर आज तो पब्लिक होगा, उसमें कॉपीराइट आया है, गाना की वजह से कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस गाने हम जो डांस किए थे वो तो होना भी चाहिए। चलिए चलिए, तो काल सारे मजे में थे, मजे किए बहुत। कपड़ा भी पड़ा हुआ था, कपड़े को नहीं धुली थी मैं, जानबूझकर नहीं धुली थी, क्योंकि नदी में हम नहा रहे थे ना, धुलना वगैरह होता तो लेट होता, इसीलिए मैं उसको सोची ऐसे ही हम धुल के ले आएंगे घर में, सब डालकर ही उसको आराम से धोएंगे, ऐसे सोच के ले आए थे। आज उसको मैं धोई, और जो हम गए थे ना, जो हमारा उड़ीसा का जो शिव मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, तो वहाँ से आने के बाद हमको तो जो गर्मी, इतनी गर्मी में जा रहे थे ना, गए थे, इसी वजह से हमको बहुत टायर लग रहा था। जो कपड़े वगैरह सब पड़ा हुआ है, तो उस कपड़े को मैं फोल्ड भी नहीं करी, ऐसे पड़ा हुआ है, खड़ के ऊपर ही पका दी हूँ, डाल दी हूँ, उसको फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, इधर उधर रह जाता है, नींद आता है कभी, इधर उधर ये सब काम होता है। अभी तो बहुत तेज़ धूप भी हो रहा है हमारे यहाँ, और गर्मी भी हो रहा है, बारिश भी होता है बीच बीच में, और गर्मी तो वाह, गर्मी का तो मतलब इतना तेज़ भी हो रहा है आजकल। तो ये सारे कपड़े का तो सुखाती हूँ, और आज बेटी बोली आज ना हमारे बाल का कटिंग कर दोगे आप, ऐसे बोल रही थी, तो ये कपड़े भी धुल रही थी, सॉरी फोल्ड कर रही थी, उसको मतलब रख रही थी। ये तो देखिए, तो ये सारे कपड़े को सारे तो नहीं कर पाई, जितना हुआ मतलब खाना बनाते बनाते जितना हुआ उतना बनाई। आज ज़्यादा कुछ भी सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, कल का जो सब्ज़ी बचा हुआ था वो फ्रिज में रख दी थी, तो उसको ही हम खाए, और थोड़ा थोड़ा बहुत करे, और गर्मी हो रहा है ना, इसी वजह से अभी पखाल खाने का मज़ा कुछ और ही है, पखाल ही हम खाए थे, और दोपहर को तो गर्म खाए थे, लेकिन सुबह टाइम ना पखाल ही खाए थे, और दोपहर को गर्मी मतलब गर्म भात चावल के लिए सब सब्जी, काल का सब काल बचा हुआ सब्जी था, और आज का कुछ, आज कुछ बनाई थी, हल्का फुल्का बनाई थी, हैवी नहीं बनाई, नहीं तो एक दिन में चावल के साथ थोड़ा बहुत सब्जी नहीं होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कपड़े वगैरह देखिए पड़ा हुआ था, तो उसको मैं फोल्ड कर रही थी। सारे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखी, और उसके बाद खाना खाकर मैं, खाना क्या, मैं पखाल भात खाकर ही चली गई थी। सब आने के बाद मेरा बाल भी बहुत लंबी हो गई थी, मतलब इतनी लंबी हो गई थी जी, बाल को कट करना पड़ा। अरे नहीं, मैं बीच बीच में इसे कट करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतने पतले बाल को हम कटिंग ना करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए
बेटी को बोली तो बेटी कटिंग कर रही है तो कैसे कटिंग कर रही है एकदम से हमारा पार्लर वाली भी फेल मारेगा ऐसे कटिंग कर रही है। क्या बात है, पार्लर को भी जाना नहीं पड़ेगा। तो ये कटिंग कर रही थी, कितना हुआ ये दिखा रही थी, मेरा जितना पतला पतले वाला ना, मुझे जितना पतला जितना छोटा है उतना मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए बाल का तो कटिंग हो गया, इसको मैं क्लचर में क्लच करके लगा दूँगी, लगा दी। और उसके बाद बेटी के बेटी की भी बाल को भी मैं क्या करना कटिंग कर दी हूँ। और हमको पार्लर जाना नहीं पड़ता है, हम खुद ही कटिंग करते हैं ना, इसी वजह से हमको पार्लर जाना नहीं पड़ता है। ये देखिए तो मेरा हो गया, उसके बाद बेटी के होगा। बेटी का बेटी बोली बच्ची बोली कि मेरा भी बाल बना कटिंग कट कर दो, लेकिन थोड़ा कट कर दो। उसके बाद बोल रही है नहीं बहुत दिन से कटिंग नहीं है, लेजर जैसा कटिंग कर दो, तो मुझे चश्मा पहन कर ही कटिंग करना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर होता है इसी वजह से। तो ये आ गई थी तो मैं उसको बाल को अच्छी तरह से कंघी कर ली थी। कंघी करने के बाद ऐसे लाइन लाइन करते करके ही मैं कटिंग करती हूँ। तो बाल को पहले पानी डालकर एकदम देसी स्टाइल का मैं कटिंग कर रही थी, देखिए। तो नीचे से पहले कटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर एक स्टेप तीन चार स्टेप होता तो अच्छा होता, तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था तो कटिंग करने का। इसीलिए ये नीचे वाला तो पहले कटिंग पहले सामने वाले बाल को मैं लाइन करके रख दी हूँ, उसके बाद नीचे वाले पहले कटिंग करी, उसके बाद और एक स्टेप पीछे वाला। तीन स्टेप होता तो अच्छा होता, मुझे दो स्टेप में ही छोड़ना पड़ा, दो नहीं तीन हुआ। देखिए कैसे कर रही है, ऐसा ही कटिंग शटिंग चल रहा था, हम खुद ही पार्लर बन गए थे। तो ये देखिए अच्छी तरह से, आजकल YouTube की वजह से सब कुछ इजी होता है, YouTube से देखकर ही ये मैं कर लेती हूँ, तो क्यों बेकार में मैं पार्लर जाऊँगी, बिना पार्लर का भी हमको हो जाएगा ऐसे। तो आज बाल को अच्छी तरह से लाइन लाइन करके कटिंग कर दी हूँ, मेरा भी उसकी भी। और उसके बाद बालों को हेवी ऑयलिंग करी, हेवी ऑयलिंग करके हमारा सारे बाल को अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दी, क्योंकि जो कलर की वजह से बाल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसको ऑयलिंग करके उसको धुलेंगे तो बाल भी अच्छा रहेगा, कंडीशनिंग हो जाएगा। इसीलिए आज हम हेवी हेयर ऑयलिंग करी हूँ।
Thank you.